ट्विटर पर झलका झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर का फूट, भाभी सीता सोरेन के ट्वीट ने मचाया बवाल। झारखंड मुक्ति मोर्चा की भीतरी रंजिश अब सामने आ रही है। जेएम विधायक सीता सोरेन बगावत के मूड में नजर आ रही हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सीबू सोरेन की पुत्र वधु हेमंत सोरेन की भाभी और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सह जेएम विधायक सीता सोरेन ने एक के बाद एक ट्वीट कर सरकार को आड़े हाथों में लिया है। सीता सोरेन ने ट्वीट कर लिखा कि झामुमो बेईमानों और दलालों के हाथों में चला गया है। सीता सोरेन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुक्त करो मुझे सैतानों से, सोए क्यों हो अब तक, रो रो कर कहती धरती माता, दोहर दिल पर दस्तक। जिस जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए झारखंड का निर्माण किया गया था, वो झारखंड अब खुद को बचाने की पुकार कर रही है। झारखंड की धरती चीख कर यह कह रही है कि दलालों और बेईमानों के चुंगल से मुझे बचाया जाए। झारखंड की इसी चीख और पुकार को सुनकर शायद दुर्गा सेना का गठन किया गया है। माननीय केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय सीबू सोरेन जी, आपके और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के खून पसीने से खड़ी की गई पार्टी वर्तमान में दलालों और बेईमानों के हाथ में चली गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। स्थिति अगर यही रही तो पार्टी कई गुटों में बढ़ती नजर आएगी। दलालों और बेईमानों से पार्टी को बचाना अब सिर्फ आपके हाथों में है। जिस उम्मीद और आशा के साथ पार्टी की नींव रखी गई थी, उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सिर्फ आपके हाथों में है और किसी में नहीं। पार्टी तोड़ने की कोशिश करने वालों पर कड़ी कार्रवाई आप करें, ना कि कोई और। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब सीता सोरेन ने खुलकर पार्टी की मुखालफत की है। इससे पहले भी पार्टी महासचिव विनोद पांडे सहित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी पर सीता सोरेन ने ट्वीट के माध्यम से कटाक्ष किया था। पिछले वर्ष धनबाद में एक कार्यक्रम में भी सीता सोरेन ने पार्टी के कार्यकलापों की कड़ी निंदा की थी। इधर सीता सोरेन के ट्वीट ने बीजेपी को मौका दे दिया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता क्रतुल शाहदेव ने सीता सोरेन के द्वारा किए गए ट्वीट को सच को स्वीकारने की हिम्मत करने वाली घटना बताया है। गौरतलब आपको बता दें कि सीता सोरेन की बेटियों ने दुर्गा सोरेन सेना के नाम से ही एक समूह तैयार किया है।